अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक फोर क्लास सेकंड ईयर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर हमने एक पॉइंट की बात की थी कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मेसोफाइट और जीरोफाइट्स तीन हैं। प्लांट्स आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट हैबिटेट, जो है वो तीन किस्म के हैं, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स की हमने बात की थी, अब हम बात करें कि मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स। तो मेसोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं? द प्लांट्स लिविंग इन अ मॉडरेट एनवायरनमेंट, ऐसे पौधे जो मोतदिल मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर या मॉडरेट एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाए, तो उसको हम कहते हैं मेसोफाइट्स। द प्लांट्स आर प्रेजेंट, पौधे जो होते हैं, द प्लांट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, अगर एक्सेसिव सप्लाई पानी की ज्यादा मिकदार के अंदर पौधे मौजूद हों तो स्टोमेटा आर ओपन, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, दे एक्सपायर या दे एवापोरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो पानी ज्यादा मिकदार में एवापोरेट हो जाता है अगर पौधा जो है वो एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर मौजूद हो। एंड द प्लांट आर, या पौधे के अंदर जो स्टोमेटा है, आर क्लोज्ड इन अ लेस सप्लाई ऑफ वाटर। स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं अगर जो है वो पानी की मिकदार कम हो। तो एग्जांपल इसकी जो है वो क्या है, ब्रासिका है, रोज है और मैंगो, इसकी जो है वो कॉमन एग्जांपल है। कहने का मकसद ये हुआ कि पौधे अगर ज्यादा मिकदार के अंदर पानी, ज्यादा मिकदार के अंदर अगर ये पौधा मौजूद है पानी ज्यादा मिकदार के अंदर, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, अगर लेस सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर मौजूद है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। जीरोफाइट्स, द प्लांट्स लिविंग इन अ सीवियरली ड्राई ट्रस्टियल एनवायरनमेंट, सीवियरली शदीद ड्राई ट्रस्टियल एनवायरनमेंट के अंदर अगर जो है वो पौधा मौजूद है तो उसको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन अ सीवियरली ड्राई एनवायरनमेंट इज कॉल्ड जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो क्योंकि सीवियरली ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, पानी शदीद पानी की जो है वो कमी होती है, तो उस पौधे के अंदर जो जो लीव्स होते हैं या प्लांट्स हैव अ थिक वॉल, उसके उन पौधों के ऊपर जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, द लीव्स आर थिक वैक्सी क्यूटिकल, और उनके ऊपर जो बाहर वाली कवरिंग होती है, जो वॉल होती है, एपिडर्मिस होती है, वो थिक होती है, मोटी होती है, तो पानी जो होता है वो एवापोरेट जो होता है वो नहीं होता। तो प्लांट्स जब ऊपर थिक वॉल होगी, वैक्सी होगी, पानी तो एवापोरेट नहीं होना है। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन अ लोअर सरफेस, और स्टोमेटा भी कहां पे होंगे, इन अ लोअर सरफेस, नीचे वाली सतह पे होंगे, एंड आर इन अ डिप्रेशन, और अंदर जो है वो दबे हुए होंगे। और एग्जांपल इसकी क्या है, वो कैक्टस या यूफोर्बिया, कैक्टस या छितरथोर जो पौधा होता है उसके ऊपर जो बाहर वाले मीन के पत्ते होते हैं, दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ ड्राई एनवायरनमेंट, तो उनके जो पत्ते होते हैं वो शेड हो जाते हैं, उतर जाते हैं, कब, ड्यूरिंग अ ड्राई एनवायरनमेंट, या जब पानी जो है वो ना हो तो पत्ते ऊपर जो है वो झड़ जाते हैं, या पत्ते जो है वो झड़ जाएंगे क्योंकि पानी ने एवापोरेट कहां से होना है, पानी ने एवापोरेट जो है वो उस स्टोमेटा से होना है, तो जब स्टोमेटा जो है ऊपर वाले पत्ते जो है वो गिर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टोमेटा नहीं होंगे, तो पानी जो है वो एवापोरेट नहीं होगा। तो पानी जब पौधा जो है वो रह जाएगा, और पानी जब बारिश वगैरह आती है तो उसकी जो स्टेम होती है वो गोदेदार होती है, तो दे स्टोर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, तो जब पानी, वैसे पौधा खड़ा रहता है, वो खत्म नहीं होता, मरता नहीं है, लेकिन जब बारिशें आती हैं तो उस वक्त पौधा ज्यादा मिकदार में पानी जो है वो जज्ब कर लेता है, और पानी ज्यादा मिकदार में जज्ब करने की वजह से पौधा जो होता है वो मरता नहीं है, पौधा जो है वो जाया नहीं होता है, यानी कि
अगर ड्राई एनवायरनमेंट है तो पौधे शेड देयर लीव्स, और अगर जो है वो रेनी सीजन के अंदर है तो पानी जो है वो पौधा अब्सॉर्ब कर लेगा और पौधा जो है वो उस कंडीशन में के ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, ये हमने बात किया कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। तो देयर इज अ क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी, जिस्म के अंदर पानी और जो नमकियात है उसकी मिकदार जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर ज्यादा मिकदार में पानी इंटर होता है और ज्यादा कम, अगर ज्यादा में पानी है या ज्यादा मिकदार में जो है वो साल्ट है, मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं, तो फिर भी एनिमल्स को जो है वो नुकसान होता है। तो इस वजह से उनको जो है वो बैलेंस में पानी और नमकियात की जो मिकदार है उसको बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस होंगे तो फिर एनिमल्स जानवर को जो है वो नुकसान नहीं होना है। तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑस्मो कंफर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो कंफर्मर क्या होते हैं, द एनिमल्स विच डू नॉट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। इस एनवायरमेंट के अंदर जानवर को जो है वो अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। द एनिमल्स विच डू नॉट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्टिंग देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, तो फिर उन ऑस्मो कंफर्मर जो होती हैं उनको अपना इंटरनल एनवायरमेंट जो है वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर वो कौन से एनवायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, विच आर प्रेजेंट इन आइसोटोनिक एनवायरमेंट। तो वो आइसोटोनिक एनवायरमेंट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं अगर जो है वो ऑस्मो कंफर्मर होंगे। इसके बाद है ऑस्मो रेगुलेटर, द एनिमल्स विच एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऐसे जानवर जिनको माहौल के मुताबिक अपना इंटरनल जो एनवायरमेंट है उनको एडजस्ट करने की जरूरत हो तो उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। तो ये कौन से हैं, द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक एनवायरमेंट एंड द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन हाइपरटोनिक एनवायरमेंट। अगर जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरमेंट के अंदर है तो उनको डिस्चार्ज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, और अगर जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरमेंट के अंदर है तो दे एक्सक्रीट साल्ट। तो इसका मतलब है कि दे हैव अडाप्टेशन, तो अपने अंदर जो है वो अडाप्टेशन लाते हैं, अपने अंदर जो है वो तब्दीली लाते हैं। अगर ज्यादा मिकदार के अंदर है तो फिर पानी डिस्चार्ज करेंगे, अगर कम मिकदार के अंदर है तो फिर साल्ट को जो है उन्होंने डिस्चार्ज करना है। इसका मतलब है कि ये जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं उनको अपना इंटरनल एनवायरमेंट एडजस्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन जो ऑस्मो कंफर्मर होते हैं उनको इंटरनल एनवायरनमेंट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोफाइट्स एंड मेसोफाइट, मेसोफाइट्स एंड ज़ूओफाइट, और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कंफर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। अक्सर आप इम्तिहान के अंदर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया होता है कि ऑस्मो कंफर्मर क्या है और ऑस्मो रेगुलेटर क्या है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।